नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मुंबई के केंद्र में बसा स्लम एरिया धारावी में हुआ संक्रमण। धारावी में 8 से 9 लाख लोग रहते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो धारावी में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा डर है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने झुग्गी झोपड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए हाउसिंग नीतियों पर सवाल उठाते हुए चेत जाने की नसीहत दी। रतन टाटा ने कहा कि कोरोना वायरस के कहर ने शहर में आवास के संकट को उजागर किया है। मुंबई के लाखों लोग ताजी हवा और खुली जगह से महरूम हैं। बिल्डरों ने ऐसे स्लम बना दिए हैं जहां सफाई का इंतजाम नहीं है। हम वहां उच्च कोटि के आवास डिजाइन करते हैं जहां कभी झुग्गी झोपड़ियां थी। ये स्लम विकास के अवशेष की तरह है। हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहते हैं, दूसरी ओर एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। रतन टाटा ने आर्किटेक्ट और बिल्डर पर भी निशाना साधा। रतन टाटा ने कहा कि जब लोग इसकी आलोचना करते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक आर्किटेक्ट और बिल्डर के रूप में सामाजिक जिम्मेदारी भी है। कोरोना का संकट हमें अब भी चेतावनी दे रहा है। मेरी चिंता यह है कि अब ये हमें चारों ओर से घेर चुका है और हमला कर रहा है। मल्टी स्टोरी स्लम का जिक्र करते हुए टाटा ने झुग्गियां हटाने और 20-30 मील दूर घनी आबादी के आवासों में लोगों को शिफ्ट किए जाने की नीति पर सवाल उठाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार धारावी में लगातार टेस्टिंग कर रही है, लेकिन सवाल जो टाटा उठा रहे हैं वो भविष्य को बचाने के लिए बहुत जरूरी भी है।